ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस के सम और डिफरेंस को किस तरह से उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन पर बेस्ड फार्मूले हम लोग देख चुके हैं बच्चों। इन पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स अभी हम लोग हल करेंगे बच्चों। पहली प्रॉब्लम जब मैं देखता हूं तो उसे हल करने के लिए निश्चित रूप से मुझे साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो होता है 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो चलिए साहब, पहली प्रॉब्लम का जो न्यूमरेटर है इस आइडेंटिटी को यूज कर देने के बाद हो जाएगा 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, और फिर बच्चों 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी कोसाइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि कोसाइन ऑफ 3x माइनस कोसाइन ऑफ 9x। और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो क्या होगा 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो चलिए साहब, हम ये आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी पहले लिखेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी तो हो जाएगा साइन 3x, और फिर जब साइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो वो होगा साइन ऑफ माइनस एक्स जो कि होता है माइनस साइन एक्स। और इसी तरह से बच्चों दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ 9x माइनस साइन ऑफ 3x। तो ये लीजिए साहब, अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। पहली बात तो 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस 3x से प्लस कॉस 3x कैंसिल, और प्लस साइन 3x से माइनस साइन 3x भी कैंसिल। अब आपको क्या मिला बच्चों, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा कॉस एक्स माइनस कॉस 9x, और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है क्या साइन 9x माइनस साइन एक्स। तो ये लीजिए, अब हम एक काम करते हैं साहब, यहां पर हम कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाते हैं जो होता है क्या, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, और साइन सी प्लस डी बाय 2 करेंगे तो बच्चों हो जाएगा साइन 5x, और फिर साइन डी माइनस सी बाय 2 करेंगे तो बच्चों वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स मतलब 8/2 यानी कि 4x। और ऐसे ही डिनोमिनेटर की बात की जाए तो वो हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी होगी 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 यानी कि साइन 4x, और फिर बच्चों क्या कॉस 5x। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, साइन 4x है, साइन 4x कैंसिल, ये भी कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस और कुछ नहीं जनाब टेन 5x ही होता है, और यही है हमारा दक्षिण हस्त पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। नोट डाउन कर लीजिएगा, सेकंड प्रॉब्लम जो है बच्चों उसमें आप देखिए आपको लिख रखा है क्या साइन ऑफ 105° प्लस कोसाइन ऑफ 105°। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी, लेकिन यहां तो एक साइन है और एक कॉस है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं साहब, हमने ली सेकंड प्रॉब्लम की LHS। अब देखिए जरा, यह है 105° और इस 105° को यदि मैं 90° प्लस 15° लिखूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 90 प्लस 15 105 होता है। और मुझे बड़े बुजुर्गों ने एक बात बताई थी कि बेटा जब कॉस 90 प्लस थीटा हो तो उसे लिख देना माइनस साइन थीटा, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता 90, इसलिए कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगाऊं तो बच्चों वो होगी 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और इसमें जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120/2 यानी कि 60°। ये लीजिए साहब, ये हो गया 2 साइन 45°, और कोसाइन ऑफ 60 क्या होगा बच्चों, कोसाइन ऑफ 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इट बिकम साइन ऑफ 45°, और साइन 45° को यदि मैं कोसाइन ऑफ 45° भी लिखूं तो क्या हर्ज वाली बात है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है, और वही आप देख लीजिए आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से भाई समस्या ये थी ना कि एक साइन था एक कॉस था, तो हमने कॉस को साइन में चेंज कर लिया, या फिर साइन को हम कॉस में चेंज करके भी कर सकते थे, आप साइन को कॉस में चेंज करके आप खुद कर लीजिए। और वैसे भी हम लोग भैया बहुत बार इस बात को घसीट घसीट के बोल चुके हैं कि एक ही प्रॉब्लम को करने की मल्टीपल वेज हो सकती है, अगर मेथड सही है, हमने कहीं कोई गलती नहीं करी, तो ऑब्वियसली आंसर भी सही आएगा। अदरवाइज हम एक काम भी कर सकते, तो बच्चों हमें जो प्रॉब्लम
प्रूव करने को दी थी, उस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमें ये प्रूव करना है, अर्थात हमें प्रूव करना है साइन ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू क्या बच्चों, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 105 डिग्री। आई कैन प्रूव दिस। भैया आप एक काम करिए ना, इस वाले एक्सप्रेशन को वहां ले जाइए, तो ये क्या होगा, कॉस 45 माइनस कॉस 105, भाई प्लस वाला आरएचएस पे जाकर माइनस का हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है, आई कैन डू दिस। तो अब क्या होगा बच्चों, अब एक काम करिए, इसकी आरएचएस उठाइए और कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाइए, जो होती है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, और 45 प्लस 105 यानी कि 150 बटे 2 यानी 75, और फिर क्या साइन डी माइनस सी बाय 2 जो कि हो जाएगा 60 यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री। चलिए, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, तो यह आ चुका बच्चों साइन ऑफ 75 डिग्री, और 75 डिग्री को यदि मैं बच्चों 180 माइनस 105 लिखूं तो कोई हर्ज वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 180 में से 105 जाते तो घटाकर देख लीजिएगा 75 ही आएंगे, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ऑफ 105 डिग्री, और यही आपकी LHS यानी कि वाम हस्त पक्ष है जो आपको सिद्ध करना था। तो आप मल्टीपल वेज में प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। भैया मेरे जहन में आया एक और तरीका, मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपके दिमाग में ये जो दो तीन तरीके थे, तीन तरीके मतलब साइन को आपने जो कॉस में चेंज कर लिया, इन तीन तरीकों से इतर आपके दिमाग में कोई और भी तरीका चल रहा हो, भैया ये तो भेजा है, किसके दिमाग में क्या आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चों तीसरी प्रॉब्लम हम लोग उठाते हैं जिसमें हमें बोला है कॉस 3a प्लस कॉस 5a। एक काम करिए बच्चों, इसमें मैं इन दोनों और इन दोनों के बीच में आइडेंटिटी लगाता हूं, तो पहले और तीसरे में जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, और 3 प्लस 7 होते हैं 10 बाय 2 यानी कि 5a, और फिर बच्चों कॉस ऑफ 2a हो जाएगा। चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया है, और इसी तरीके से बच्चों तीसरे दूसरे और चौथे के बीच में लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2 कॉस 10a इंटू कॉस 5a। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। भाई कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 cos c minus d by 2 वगैरह वगैरह। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो ये बच्चों 2 cos 5a कॉमन निकल गया, तो ये क्या होगा cos 2a plus cos 10a। ये लीजिए भाई, आपने पहले इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, फिर यहां पर इन दोनों के बीच में cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 ये आपके पास में आया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2 cosine of 5a, और रही बात इन दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 cos of 6a इंटू कॉस ऑफ 4a, ये कुछ हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2s are 4, तो आपके पास में आरएचएस आ चुकी है जो आपको सिद्ध करनी थी। होप आपको ये बात भी समझ में आ गई है, तो इसे भी जरूर कर लीजिएगा। भैया एक एक दो दो स्टेप के सवाल हैं, ज्यादा कठिन सवाल मैंने नहीं आपके समक्ष लिखे हैं। चौथी प्रॉब्लम को जब मैं उठाने जाता हूं तो मुझे दिख रहा है कि मुझे साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, लेकिन न्यूमरेटर में मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है जनाब, मुझे न्यूमरेटर में जरूरत पड़ रही है कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। ये लीजिए, तो इसकी जरूरत मुझे यहां पर पड़ रही है। अब मैं इसकी जरूरत का उपयोग करता हूं, तो जरा न्यूमरेटर को देखिए, और न्यूमरेटर को देखने से पहले मैं काम करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। अभी देखिए क्या होगा, दिस इज 1/2, ये 1/2 और कोसाइन ऑफ ए प्लस बी ना, हाँ कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, तो कोसाइन ऑफ ए प्लस बी होगा कॉस 5x प्लस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी यानी होगा कॉस ए होगा, और इसी तरह से यहां पर माइनस का होगा, और फिर कोसाइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि कोसाइन ऑफ 9a बिल्कुल होगा, और फिर कोसाइन ऑफ 5a भी हो जाएगा, ये लीजिए, और फिर क्या, चलिए तीसरा वाला फिर से प्लस हो गया, और फिर आप इनमें लिखेंगे तो कोसाइन ऑफ 11a प्लस कोसाइन ऑफ 9a, ये लीजिए, और डिनोमिनेटर का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, और कोसाइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा कोसाइन ऑफ ए माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि कोसाइन ऑफ 7a, ये आया माइनस 1/2, और फिर कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा कोसाइन ऑफ 3x माइनस कोसाइन ऑफ 7a, या और तीसरा वाला अगर देखें हम तो क्या होगा 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि कोसाइन ऑफ 3a कुछ ऐसा होगा, और x लिख दिया मैंने यहां पर सॉरी a ये, और फिर क्या कोसाइन ऑफ 11a, ये लीजिए
कुछ ऐसा पिक्चर बनेगी। अब आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तीनों दोनों में ही 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2 कैंसिल। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी क्या कैंसिल हो रहा है साहब, पहली बात तो ये है कि प्लस कॉस ए नहीं, ये तो कैंसिल नहीं हुआ भाई। पहले वाले में क्या हुआ, हाँ कॉस फाइव ए कॉस ए, और फिर यहां पे कॉस नाइन है कॉस फाइव ए, बिल्कुल हो रहा है। अब कॉस इधर ये देखिए, ये कॉस फाइव ए कॉस फाइव ए से कैंसिल, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस है। और फिर बच्चों ये कॉस ऑफ नाइन ए माइनस का, इससे कैंसिल। फाइनली बचा क्या, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं बहुत आराम से कॉस ऑफ इलेवन ए आ रहा है, और माइनस और साथ में क्या आ रहा है, प्लस कॉस ऑफ ए, ये आया। और रही बात डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस कॉस सेवन है, ये माइनस माइनस प्लस के कॉस से कैंसिल, और इसी तरीके से ये माइनस कॉस थ्री है प्लस के कॉस थ्री से कैंसिल। और बचा क्या, बचा आपके पास में यहां पर कॉस है और वहां पर क्या माइनस कॉस इलेवन है, ये आया। अब आप न्यूमरेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाइए जो आपके समक्ष ऊपर लिखी है, जो हो जाएगा टू कॉस इलेवन प्लस वन कितना 12/2 यानी कि 6 है, और फिर माइनस करेंगे तो क्या कॉस ऑफ फाइव है, बहुत अच्छी बात है। और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो वो क्या होगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू यानी 6 है, और फिर क्या साइन डी माइनस सी बाय टू यानी 5 है, और सीढ़ी घिसी पिटी सी बात है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन होता है कॉटजेंट, सो दिस इज कॉटजेंट ऑफ 6 एंड दिस इज कॉटजेंट ऑफ 5 है। सो होप ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ये चौथी प्रॉब्लम थी बच्चों, पांचवी प्रॉब्लम फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मुझे सिंपल कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगानी है, जो होगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू यानी कि कॉस ऑफ 60 डिग्री और कॉस ऑफ 5 डिग्री, ये लीजिए। और कॉस 60 से कॉस 2 कैंसल, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी, तो ये तो बहुत ही लुच्ची सी प्रॉब्लम थी, एक स्टेप की प्रॉब्लम थी। तो कई बार तो किसी प्रॉब्लम को देखकर अपने को हंसी आती, पर ठीक है कोई बात नहीं भैया, हंस लीजिए प्रॉब्लम पे, हंस लीजिए, कभी आप प्रॉब्लम पे हंसेंगे कभी आप पे प्रॉब्लम हंसेगी, कभी आप जीतेंगे कभी प्रॉब्लम जीतेगी। कोशिश ये करें कि हम ही प्रॉब्लम पे जीते, प्रॉब्लम आना तो तय बात है भैया, अभी तो मैथमेटिक्स की है, ये जीवन है, प्रॉब्लम्स तो भरी पड़ी है, वो जीवन ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना हो, उन प्रॉब्लम्स हैं तो उनका समाधान है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। वो एक अलग बात होती है कि जब तक प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती तब तक हम सामने वाले को सुझाव देते हैं। वो एक कहावत है कि किसी भी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ आपके पास ही है, दूसरे आपको केवल सुझाव दे सकते हैं, भाई मुझे कोई समस्या है तो somebody can tell me कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन उसका एक्चुअल सॉल्यूशन मेरे पास ही हो सकता है, मुझे ही तलाशना है, तो हम तलाशते रहें। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, जब भी कोई कंपनी ताला बनाती है तो उसके साथ साथ ही उसकी चाबी बनती है, ऐसा शायद मेरे ख्याल से टेक्निकल लेवल पर नहीं होता कि ताले अलग बन रहे हैं चाबियां अलग बन रही है, जब जब लॉक बनेगा उसके साथ साथ में उसकी चाबी बनेगी, तो आपको लॉक के साथ में चाबी तो मिल रही है, बस वो एक अलग बात है कि आपके पास में चाबियों का गुच्छा है, यू हैव अ बंडल, यू हैव अ बंच ऑफ की, आउट ऑफ विच यू हैव टू फाइंड द करेक्ट की टू अनलॉक द लॉक। ये जीवन में भी लागू होता है और हमारी ये ताले चाबी में भी लागू होता है। मैं छठी प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों, मुझे अगली प्रॉब्लम क्या दे रखी है, कोसाइन ऑफ 135 माइनस है प्लस कोसाइन ऑफ 135 प्लस है। तो चलिए साहब यहां पर वापस से कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाते हैं, और वो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल होकर 135 डिग्री आएगा, और फिर क्या होगा बच्चों, कोसाइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2 तो वो होगा कॉस ऑफ ए, मेरे ख्याल से मैंने सही कहा है भाई। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी जब मैंने लगाई, जब मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाई तो ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 यानी 135 डिग्री आ जाएगा, और फिर क्या कॉस सी माइनस डी बाय 2 मतलब ये आएगा, तो आ तो यही रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहां जो आंसर दे रखा है आरएचएस में वो गलत है भैया, ये कॉस 135 की वैल्यू माइनस 1/√2 होती है, तो ये हो गया जनाब कॉस ए, तो 2 से रूट 2 कैंसल और बचेगा माइनस रूट 2 कॉस है, तो आंसर तो ये आ रहा भैया मेरे ख्याल से, तो जो प्रूव करने को दे रखा है वो गलत दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम गलत दे दी गई है, हमें प्रॉब्लम गलत दे दी गई है भाई। देखिए अगर कोई प्रूव करने वाला सम नहीं है एग्जाम में तब तो फिर हम जो है वो करके आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रूव करने की प्रॉब्लम थी, जैसे इसी में दी और इसमें प्रॉब्लम गलत थी, तो पचते हैं हम उसमें। अगर आप लोगों ने अभी लेक्चर शुरू होने से पहले अगर इसको सॉल्व करा हुआ तो कहीं ना कहीं आप पचे होंगे, कोई बात नहीं भैया पचिए।
कई बार आपको खासतौर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो गलत होते हैं, और वो गलत होते हैं, उन गलत होने के पीछे कई सारी चीजें हो सकती हैं। भाई क्वेश्चन में डाटा इनकम्प्लीट है, या जो आपको ऑप्शंस दे रखे उन ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, इस तरह से मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो कई बार तो ये प्रॉब्लम बनाने वाले से ऐसी मिस्टेक हो जाती है, या प्रिंट होने के दौरान ऐसी मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग होने के दौरान उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हुई हो तो तब मिस्टेक हो जाती है। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स इंटेंशनली डाली जाती हैं, इंटेंशनली डाली जाती है टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप अपने चीजों को कितना बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं आ रहा, और बार बार आप लगे हुए उसी प्रॉब्लम को हल कर रहे हो। तो फिर क्या होता है उस स्थिति में, वो चेक करना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। भाई गलत है ना, स्किप इट, आगे बढ़ो। वो जानबूझकर भी दे सकते हैं, और ये जानबूझकर अच्छी अच्छे लेवल की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है बच्चों, उनमें भी दिया जाता है। तो डोंट वरी, अगर प्रॉब्लम में कुछ गलती है तो कोई बात नहीं। जैसे मुझे तो लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही करा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, 135 डिग्री आएगा, और जब माइनस करूंगा तो 135 से 135 कैंसिल, ए आएगा और कॉस है, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि आंसर को मुझे दे रखा है प्लस रूट टू साइन है, तो एक तो पहली बात माइनस है जबकि वहां पर प्लस है, और दूसरी बात यहाँ पे कॉस है वहां पर साइन है। तो होप मैंने सही किया है। चलिए मैं जो है अगली प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों, कौन से नंबर की, मैंने 6 कर ली है मेरे ख्याल से। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रॉब्लम की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है, मुझसे ही कोई बीच में प्रॉब्लम छूट गई, मैंने प्रॉब्लम देखी नहीं। मुझसे खासतौर पे एग्जाम जब मैं पढ़ाई करता था, आज भी करता हूं, जब एग्जाम वगैरह देता था, आज भी देता हूं, पर अब दैनिक जीवन की परीक्षाएं देता हूं, तब कॉपी पेन की परीक्षाएं देता था, तो उस समय मुझसे कई बार ऐसा होता था कि कोई कोई प्रॉब्लम मुझे नजर ही नहीं आती थी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे समक्ष है पर हमारे नजर ही नहीं आ रही है। अगर नजर नहीं आ रही है तो शायद हो सकता है उसमें हमारा भला भी हो, लेकिन कई कभार नुकसान भी हो सकता है। मैं 7 प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों। आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो यहां पर आप इनका कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी खोल ले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां पर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी खोल ले, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए साइन बी, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा दीजिए, तो साहब जब न्यूमरेटर में लगाएंगे तो क्या होगा, वो 2 साइन सी प्लस बी बाय 2, और जब साइन सी प्लस बी बाय 2 करेंगे तो ये दोनों कैंसल और ये हो जाएगा, और फिर बच्चों क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा 1 बिल्कुल होगा ना, कॉस ऑफ थीटा 2, और फिर साथ में क्या होगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 2 साइन थीटा 1, ये 2 साइन थीटा 1 हो गया, और क्या होगा, चलिए हाँ एक मिनट, पहले तो आपने इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई, तो 2 साइन है कॉस बी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, वो हो गया, और फिर ये, और ऐसे डिनोमिनेटर में जब देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, और प्लस क्या माइनस क्या, 2 कॉस थीटा 1, ये लीजिए अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 कैंसिल, और साइन थीटा 1 ऊपर से कॉमन निकल के आ रहा है, जरा देखिए साइन थीटा 1 ऊपर से कॉमन निकल कर आया, ये हो गया बच्चों कॉस थीटा 2 माइनस 1, और ये क्या कॉस थीटा 1 इसमें से कॉमन आ रहा है, और क्या होगा ये कॉस थीटा 2 माइनस 1, अभी ये दोनों भी कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 10, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये निहायत एक स्टेप की प्रॉब्लम थी। तकरीबन सारी प्रॉब्लम एक एक स्टेप की आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैंने इसमें दी नहीं आपको, प्रॉब्लम लिखने में मुझे इनफैक्ट जितना समय लगा होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उससे भी कम समय लगा है। तो कई बार प्रॉब्लम इतनी जटिल दिखती हैं हमको, लेकिन जब हम उन्हें हल करना चाहते तो मालूम पड़ता है ये तो बहुत सरल थी, ये जीवन में भी लागू होता है बच्चों। तो डोंट फियर, जस्ट मूव अहेड एंड अहेड एंड अहेड। 8 नंबर की प्रॉब्लम में फिर से मैं वापस से बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाता हूं। पहली वाली जो ब्रैकेट है उसमें हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, और फिर क्या कोसाइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ऑब्वियसली मैंने LHS उठाई है, और उस पूरे का स्क्वायर भी है तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे करना पड़ेगा, और ये क्या होगा 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 और कोसाइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2, और इस पूरे का क्या बच्चों स्क्वायर हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, ये 2 cos a plus b by 2 एथे भी आएगा, तो 2 cos a by 2 एथे भी आएगा, तो सी कॉमन कट लो, कितना हो गया, तो देखो 2 cos a plus b by 2 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो गया साहब, और यहां क्या बचेगा, यहां आपके पास में बचेगा कोसाइन का स्क्वायर a माइनस बी बाय 2 प्लस साइन का स्क्वायर a माइनस बी बाय 2। अब आप क्या पा रहे हैं बच्चे, अब आपके पास में ये हो जाएगा 4 कोसाइन का स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 और कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा की वैल्यू 1, सो दिस इज व्हाट 4 कॉस स्क्वायर a प्लस बी बाय 2,
फोर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय टू आ रहा है यार, और हमने ए माइनस बी बाय टू का स्क्वायर लिखा, तो क्या मैंने सही करा? मैं एक बार चेक कर लूं भाई, ये तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने मेरे ख्याल से गलत देखी, क्योंकि यहां पर a माइनस बी बाय टू नहीं आ रहा, a प्लस बी बाय टू आ रहा। तो होता है, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। होप सही किया है, बिल्कुल सही किया भैया, यहां पर तो यही होगा, यहां पर यही होगा, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा वन होता। तो करेक्शन कर लीजिएगा भैया एथ नंबर की प्रॉब्लम में भी। चलिए मैं अब नाइन्थ नंबर की प्रॉब्लम उठाऊं भैया। नौ नंबर की प्रॉब्लम मुझे बोल रही है कि मुझे हल करो। तो चलिए साहब, अब इसमें क्या करें? तो इसमें थोड़ा सा हमें पचना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, पचने का काम भी हट जाएगा। एक काम कीजिए बच्चों, जो न्यूमरेटर है पहले उसको जरा अलग तरीके से हम लिखते हैं। देखिए कॉस ऑफ सिक्स थीटा को मैंने कॉस ऑफ सिक्स थीटा ही लिखा, लेकिन जहां तक अगला वाला है उससे मैं लिखता हूं कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस 5 ऑफ कॉस 4 थीटा, फिर उसके बाद में क्या 5 कॉस 2 थीटा प्लस 10 कॉस 2 थीटा प्लस 10। या सही है, बिल्कुल सही है। और ये क्या कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस 5 कॉस 3 थीटा प्लस 10 कॉस थीटा, ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे? एक काम कीजिए, आपने भैया क्या करा, ये जो 6 टाइम्स था, इस 6 टाइम्स को आपने स्प्लिट किया सिंगल टाइम प्लस 5 टाइम्स, और फिर 10 टाइम 15 टाइम्स वाले को 5 टाइम्स प्लस 10 टाइम्स कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो ये है। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए, तो ये होगा 2 कॉस ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ थीटा भाई, इन दोनों में लगा दी, और ये 5 कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए, तो ये क्या होगा, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, सही बात है। और फिर इन दोनों में अगला वाला जो आपके पास में है, इसमें से 10 कॉमन निकाल देते हैं, या इसे इसे आप 10 जो आखिरी वाला जो 10 है उसको 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, जो लास्ट वाला 10 है उसे 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को बाद में अगली स्टेप में आप लिख सकते हैं क्या 0, 0 लिख सकते हैं भाई। आपने आखिरी वाला जो 10 है उसे क्या लिख दिया 1, 10 इंटू 1 भाई, क्योंकि 10 इंटू 1 10 ही होता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 की जगह पे कॉस 0 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से भी 10 कॉमन निकाल देंगे और फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो वो होगा 2 कॉस थीटा, और जब ऐड करेंगे तो, और जब माइनस करेंगे तब भी यही ये आएगा। या फिर आप एक सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस का थीटा, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा को हो जाएगा 2 कॉस का थीटा, वही आ रहा, देखो 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस का थीटा ही होता है। और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर तो ज्यों का त्यों एज इट इज सेम टू सेम, कोई मैंने उसमें चेंज नहीं किया है, ओहो बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे। चलिए साहब, 2 cos थीटा 2 cos थीटा और 2 cos थीटा कॉमन निकल आया है भैया। आपको गाना अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, और नहीं लगा तो भी सुन लीजिए भैया, मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो सारी काम करना पड़ेगा भैया, मैं तो अपना मनोरंजन करते हुए चलता हूँ। हाँ साहब, अगर मेरे को लेक्चर बनाने में मजा नहीं आएगा तो मैं लेक्चर नहीं बनाएगा, बात पक्की है बाबा। अरे देखिए 2 cos थीटा यहाँ पर भी है ना, देखो ना 2 cos थीटा यहाँ पर भी है, 2 cos थीटा यहाँ पर भी है, 2 cos थीटा यहाँ पर भी है, और आपके पास में क्या बच रहा है, cos 5 थीटा प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा प्लस क्या 10 cos थीटा, ये लीजिए साहब। और क्या मिलेगा आपको भैया, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो भैया ये आ गया आपके पास में। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, और जब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो फाइनली क्या आएगा 2 cos थीटा, और आरएचएस में भी और कुछ नहीं बच्चों 2 cos थीटा ही है।